हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉजिटिव पॉइंट्स हीरो एक्सट्रीम 160R 4V डुअल चैनल ABS मॉडल खरीदने के। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम 160R 4V एक अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल रही है, जो कि अपने शांत मनी साई हीरो उदगीर शोरूम में है। अगर आपको हीरो ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप शांत मनी साई हीरो उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर इस बाइक की प्राइस है 1,75,300 रुपये, लेकिन यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है इस बाइक के ऊपर, जो कि इसकी प्राइस कम कर देता है और 1,65,300 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस हो जाती है। अब यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम 160R 4V खरीदने का पहला पॉजिटिव पॉइंट तो इसका ऑफर वाला प्राइस बन जाता है 1,65,300 रुपये। अब इस प्राइस में आपको इससे अच्छी बाइक नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी फीचर्स मिलते हैं इस प्राइस बजट में। अगर अपन कॉम्पिटिशन से कंपेयर करें, NS160 या फिर पल्सर N160, अपाचे 164V, होंडा हॉर्नेट, उन सबसे इसकी प्राइस कम है और साथ ही साथ इसके अंदर फीचर्स उन सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपको हीरो एक्सट्रीम 160R 4V खरीदने का पहला पॉजिटिव पॉइंट देखने मिलता है इसकी अग्रेसिव प्राइसिंग। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की। तो यहाँ पर आपको दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा इसके डिज़ाइन का। यहाँ पर आपको डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया मिलता है हीरो एक्सट्रीम 160R 4V का। यहाँ पर आपको देखने मिलता है वही हेडलैम्प सेटअप, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश है। नीचे आपको मडगार्ड मिलेगा, अपसाइड डाउन फोक मिलेंगे गोल्डन कलर में। इसके अपसाइड डाउन फोक की वजह से इसका लुक और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। यहाँ पर आपको अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। ऐसा अलॉय व्हील डिज़ाइन आपको पहले नहीं मिलता था, लेकिन एक्सट्रीम के अंदर आपको अलॉय व्हील बहुत ही स्पेशल मिलते हैं। डिस्क ब्रेक का डिज़ाइन अच्छा है, अपसाइड डाउन फोक होने की वजह से और ज़्यादा मस्कुलर लगती है बाइक। डुअल चैनल ABS की ब्रांडिंग मिलती है। नीचे आपको बेली पैन मिलता है 4V के ब्रांडिंग के साथ, 4 वेल्व के ब्रांडिंग के साथ। कैटलेटिक कन्वर्टर इधर आता है। बाकी इंजन आपको डबल लेयरिंग के साथ मिलता है, ब्रॉन्ज प्लस ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन आता है इंजन के ऊपर। और यहाँ पर टैंक को देखते हैं तो टैंक बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर है। एक्सट्रीम की ब्रांडिंग मिलती है आपको, 160R की भी ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर भी आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन मिलता है ब्लैक एंड ब्रॉन्ज, और ये ब्लैक कलर जो है वो ग्लॉसी फिनिश में मिलता है और ये मैट फिनिश में मिलता है ब्रॉन्ज कलर। बाकी ऊपर से टैंक को देखते हैं तो टैंक बहुत ही ज़्यादा मोटा और मस्कुलर लगता है, स्पोर्टी लगता है इसका टैंक। और इसकी लंबी सी सीट मिलती है आपको, जो कि 160R की ब्रांडिंग के साथ आती है। यहाँ पर अगर अपन साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर एक्सट्रीम का साइड प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी मिलता है आपको, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और रियर प्रोफाइल की बात करूँ तो रियर में आपको नई टेल लाइट मिल जाती है, नया फेंडर मिलता है और ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलता है। मोटर टायर की वजह से भी इसका रियर लुक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी हो जाता है। और इधर की प्रोफाइल बताऊँ तो थोड़ा अंधेरा आएगा, लेकिन आपको डिज़ाइन तो अच्छा मिलता है यार। और यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम 160R 4V खरीदने का दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मिलता है इसका ओवरऑल डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इसका इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पर कंपनी देती है ऑल LED सेटअप। हेडलाइट में LED मिलेगा आपको, और जो टेल लाइट है वो भी आपको LED मिल जाएगी, और इसके जो इंडिकेटर हैं वो भी आपको LED मिलेंगे और थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, हेडलाइट की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, टेल लाइट की भी क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और साथ ही साथ ऑल LED सेटअप मिलेगा, जो कि अपाचे में या फिर पल्सर N160 में अभी अभी आना चालू हुआ है। अपाचे में तो अभी तक नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आपको इसके अंदर पहले से ही ऑल LED सेटअप मिलता था लगभग 2021 से। तो यहाँ पर आपको तीसरा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है इस बाइक का इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। चौथा पॉजिटिव पॉइंट में आता है इसके ब्रेक्स। यहाँ पर कंपनी देती है डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS। 1,65,000 रुपये में आपको डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS, साथ ही साथ 4 वेल्व इंजन मिल रहा है, इसलिए यह पॉजिटिव पॉइंट बनता है। यहाँ पर आपको सामने मिलता है 276 mm का डिस्क और पीछे मिलता है 220 mm का डिस्क। पेटल डिस्क है, क्वालिटी भी अच्छी है इसके डिस्क ब्रेक की। और यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, मतलब सामने के टायर पर भी ABS मिलेगा और पीछे के टायर पर भी आपको ABS मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, डुअल चैनल ABS सेफ्टी फीचर बनता है और इसको खरीदने का चौथा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब बात कर लेते हैं पांचवें पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इस बाइक का सीट कंफर्ट। यहाँ पर आपको स्पोर्टी 160cc कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट कंफर्ट मिलता है इस बाइक का, क्योंकि अपाचे या फिर पल्सर NS160 या पल्सर N160 से भी कंपेयर करते हैं तो इसकी सीट बढ़िया रहती है। यहाँ पर आपको सिंगल पी सीट मिलती है, राइडर के लिए अच्छी खासी जगह मिलती है, पिलियन के लिए भी अच्छी खासी जगह मिलती है, प्रॉपर ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको, जो कि इसकी कॉम्पिटिशन में दूसरे बाइक्स में नहीं मिलता। और यहाँ पर सीट परफेक्ट रहना और कुशनिंग भी अच्छी रहना इसको खरीदने का पाँचवा पॉजिटिव पॉइंट बनता है, जो कि टूरिंग के टाइम और लॉन्ग राइड के टाइम मदद करता है कम्फर्ट बढ़ाने में। अब बात करेंगे अपन छठे पॉजिटिव पॉइंट की, जो कि है इसका इंजन।
यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया इंजन मिलता है प्राइसिंग के हिसाब से, कंपटीशन में भी बहुत आगे रहता है इसका इंजन। यहाँ मिलता है आपको 163.2 सीसी ऑयल कूल प्लस एयर कूल सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक फोर वेल्व BS6 फेस टू कम्प्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो कि मैक्स पावर निकालता है 16.9 पीएस की और मैक्स टॉर्क निकालता है 14.6 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियरबॉक्स। यहाँ पर आपको पावर फिगर्स अच्छे मिलते हैं, अपाचे से पावर कम है, NS160 से भी पावर कम है, लेकिन अगर अपन इनिशियल पिकअप को देखते हैं और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को देखते हैं तो ये बाइक पीछे नहीं रहती, उनको टक्कर दे सकती है और कभी कभी आगे भी जा सकती है। और यहाँ पर आपको स्मूथनेस भी बहुत ज़्यादा मिलती है, अपाचे में वाइब्रेशंस आते हैं, पल्सर NS में भी वाइब्रेशंस आते हैं, लेकिन इस बाइक के इंजन से वाइब्रेशंस नहीं मिलते, आपको स्मूथ पावर डिलीवरी मिलती है और यहाँ पर आपको इंजन भी बढ़िया मिलता है, वेल बिल्ड है, हीरो एक्सट्रीम 160R 4V का इंजन। तो यहाँ पर आपको एक्सट्रीम 160R 4V का इंजन इसको खरीदने का छठा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। अब बात कर लेते हैं सातवें पॉजिटिव पॉइंट की जो कि है इसके टायर्स। यहाँ पर कंपनी देती है अच्छे मोटे टायर्स। अगर आपको बताऊँ अपाचे 164V का बेस मॉडल लेंगे तो आपको इतने मोटे टायर्स तो नहीं मिलेंगे और टॉप मॉडल में भी इतना मोटा टायर नहीं मिलता फ्रंट में। इसके अंदर आपको 100 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलेगा, 180/17 का टायर, 17 इंच का अलॉय व्हील, लेकिन अपाचे में 80 या 90 सेक्शन का टायर मिलता है फ्रंट में। और रियर की बात करूँ तो रियर के अंदर आपको 130/70/17 का टायर मिलेगा, 17 इंच का अलॉय व्हील। अपाचे के बेस मॉडल में आपको सिर्फ 110 सेक्शन का टायर मिलता है और एक्सट्रीम का ये टॉप मॉडल है। अभी अपन इसके बेस मॉडल की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपको एक्सट्रीम 160R 4V का बेस मॉडल मिलेगा जो कि अच्छे मोटे टायर्स के साथ आता है और इसके पीछे आपको 130 सेक्शन का टायर मिलेगा, सामने 100 सेक्शन का टायर मिलेगा। तो यहाँ पर बेस मॉडल में भी आपको टॉप क्वालिटी मिलती है एक्सट्रीम 160R के अंदर जो कि अपाचे में नहीं रहती। और यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम 160R 4V खरीदने का सातवां पॉजिटिव पॉइंट बनता है इसके मोटे टायर्स जो कि बेस मॉडल से आपको सेम साइज में मिल जाते हैं जो कि अच्छे मोटे हैं। अब बात करेंगे आठवें पॉजिटिव पॉइंट की जो कि है हीरो ब्रांडिंग। हीरो की आपको बाइक जो मिलती हैं एक तो जीरो मेंटेनेंस की होती है, दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको ऑल इंडिया इसके सर्विस सेंटर मिल जाते हैं और ज़्यादा दिक्कतें झेलनी नहीं पड़ती है क्योंकि इनकी प्राइसिंग भी कम रहती है और सर्विस भी अच्छी मिल पाती है आपको एज़ कम्पेयर टू अदर टू व्हीलर्स। तो यहाँ पर आपको आठवां पॉजिटिव पॉइंट मिलता है ब्रांडिंग का। सो गाइज यहाँ पर आपको नवां पॉजिटिव पॉइंट मिलता है इसके अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन सेटअप का। कंपनी यहाँ पर देती है 37mm का अपसाइड डाउन फोक फ्रॉम KYB ब्रांड जो कि R15 में भी आता है और MT15 में भी आता है और पीछे आपको मोनोशॉक मिलेगा। यहाँ पर आपको जो सस्पेंशन सेटअप मिलते हैं अपाचे के कंपैरिजन में बेटर हैं। अपाचे में अभी तक अपसाइड डाउन फोक नहीं आए हैं लेकिन एक्सट्रीम के अंदर एक साल से अपसाइड डाउन फोक आते हैं जो कि इसके लुक को इन्हांस करते हैं, हाईवे पर स्टेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी राइड क्वालिटी देते हैं राइडर को जो कि अपाचे के अंदर मिसिंग रहता है लेकिन एक्सट्रीम के अंदर पहले से ही आता है और ये इसको खरीदने का नवां पॉजिटिव पॉइंट बनता है। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको हीरो एक्सट्रीम 160R 4V डुअल चैनल ABS खरीदने के 9 पॉजिटिव पॉइंट्स बताए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूं, गुड बाय गाइस।